सी देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. देर इज अ प्रोडक्शन इकोनॉमी जो चीजों को प्रोड्यूस करती है. आजकल प्रोडक्शन को चाइना डोमिनेट कर रहा है. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट पोजिशनिंग इंडिया. बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है. अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो चाइनीज इम्पोर्ट्स आर शूटिंग अप. वो मीडिया कह रही है कि बंद हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखेंगे नहीं हुआ. आई मीन आई वुड लाइक दैट चाइनीज पीपल आर यूजिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, यू नो, मेड इन जयपुर प्रोडक्ट्स, एंड सम ऑफ यू आर रनिंग दोज कंपनीज दैट आर सेंडिंग दोज प्रोडक्ट्स देयर. That's what I would like to see. So the economy has to be realigned, where you have to believe in people. The banking system has to believe in people. If you look at Indian system in 70s, banks were lending much more to smaller industry, to entrepreneurs, etc., etc. Now the banks have been dominated much more by two or three large industrialists. Sir, caste census pe aapka kya opinion? फैक्ट ये है कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ही नहीं. और किसी को ये नहीं मालूम कि ओबीसीज़ कितने हैं, दलित्स कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं. तो जैसे आपको चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं, चलो एक्सरे करते हैं. एक्सरे करके देखते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कहाँ टूटी है, कैसे टूटी है. तो कास्ट सेंसस है एक्सरे, कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल है. तो इट इज जस्ट टू सी भैया अभी स्टेटस क्या है. आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड कि दिस इज द स्टेटस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो आई एम फॉर कास्ट सेंसस 100%. पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? सो आई एम एक्चुअली मेनी थिंग. आई एम फॉर एग्जांपल अ टीचर, आई टीच यंगस्टर्स, आई एम अ कुक, सो आई एम मल्टीपल थिंग्स, बट दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू पुट अक्रॉस. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see. क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ. आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज एनीवेयर वेयर आई हैव नॉट गॉन. सो आई ऑलवेज लाइक टू सी न्यू प्लेसेस, बट कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है. एंड मटर नहीं चलता है, एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके. आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ. नेचुरल. इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है. सर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा हमारा. कभी कभी कहना पड़ता है क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो यू नो खत्म टाटा बाय बाय. तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे. तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा. दूसरों की क्या फिक्र करता है तू, उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है. उनकी बातों को तवज्जो ना दे तू, बस अपना काम किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा. माँ बाप का साथ तेरे साथ है, इससे बड़ा दुनिया में और नहीं मिलता इनाम है. इस बात को जहन में दबा ले तू, जो टूटा था ना पहले, चलो आज फिर अपने आप को बना ले. साथ हो कोई या ना हो तेरे, तू बस अपने इरादों को पक्का किए जा, तू जो कर रहा है ना. Very good. You know, I'm very happy to have a chat with you, and I'm very impressed by you. I would recommend that you learn some fundamental concepts. You know, learn how money works, what it is, learn humility, introspection. Sometimes you'll make a mistake, think about why you made a mistake. Be fair with yourself. Don't treat yourself too well, and don't treat yourself too badly. Be realistic and say, I'm going to be fair and kind to myself.